अगर आप कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च महीने में एक बार फिर कोरोना वायरस का असर लोगों पर दिखाई देने लगा है। बात हरियाणा के सीएम सिटी करनाल की करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 64 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लगातार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कह रहा है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, आज जो सुबह हमारी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें गांव काछवा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 7 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और हमारी टीम वहां पे जो लोकल प्रोग्राम ऑफिसर्स भी हैं और डॉक्टर्स हैं, वो सभी स्कूल में जाके सभी दिशा निर्देश दे रहे हैं, और बार बार हम आग्रह भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में बच्चे बहुत क्लोजली बैठते हैं, आपस में खेलते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का भी पालना उस तरह से नहीं हो पा रही है। तो हम पुनः ये आग्रह करना चाहेंगे कि स्कूल्स में कहीं भी किसी बच्चे को कोई थोड़ा बहुत सिम्टम भी हो तो इमीडिएटली उसको एक तो स्कूल आने से मना किया जाए, और दूसरा उनको इमीडिएटली टेस्ट करवाया जाए, और उनके साथ के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी कॉन्टैक्ट को भी टेस्ट करवाया जाए। तो उस 7 बच्चों को जो है उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह आज सारी करी जा रही है। तरावड़ी के भी सर कुछ हैं स्टूडेंट? देखिए, जिले के डिफरेंट एरियाज़ में जो कुछ जो स्कूल है, कहीं एक दो बच्चे जो डेली कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। तरावड़ी में भी पिछले 7 दिनों में लगभग 10 के आसपास जो बच्चे हैं वो डिफरेंट स्कूल से आए हैं, तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत स्ट्रिक्टली करी गई है। उनके जो फैमिलीज़ हैं उनकी भी सारी टेस्टिंग करी गई है। तो ये तो है कि बच्चे इधर उधर से तो कुछ ना कुछ किसी डिफरेंट स्कूल से पॉजिटिव आ रहे हैं। बैंक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं? हाँ जी, आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें 7 बैंक SBI तरावड़ी के जो कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं, तो उनके लिए भी विभाग ने इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए उसको सैनिटाइज कराने का और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने का कार्य किया जा रहा है। एक्टिव केस की संख्या क्या है सर? कल शाम तक जो हमारी एक्टिव केसेस 231 एक्टिव केसेस करनाल में थे, अभी तक सुबह से जो है हमारे लगभग 64 केसेस जो हैं वो आ चुके हैं। सर, लगातार जो है स्कूलों में देखा जा रहा है मामले बढ़ रहे हैं, वैसे स्कूलों में भी केसेस स्कैटर्ड आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त वैसे भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए बार बार हम पब्लिक से आग्रह करते हैं कि अभी कोरोना का जो खतरा है वो टला नहीं है, हमें पूरी सावधानी और पहले से ज़्यादा सावधानी इसलिए भी बरतनी है क्योंकि ये बड़ा डिसाइसिव फेज़ है जहाँ पर इम्यूनाइजेशन भी चल रही है। जब तक हम पूरी कम्युनिटी को इम्यूनाइज नहीं कर पाते तो हमें मास्क का प्रॉपर प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन को रखना है, ध्यान रखना है। सर, क्या ये वायरस सर्दियों में कम हो गया था, गर्मियों में दोबारा बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि वायरस के ऊपर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा कोई असर ऐसा देखने में साइंटिफिकली नहीं आया है, लेकिन ये बात ज़रूर है क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है इस वक्त, और स्कूल शुरू हुए हैं और सारे कार्य नॉर्मल होते जा रहे हैं, तो जैसे भीड़ भाड़ के इलाकों में लोगों ने अपना सुरक्षा का जो एक चक्र था उसको भी काफ़ी कम कर दिया है। मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे जो हम लगातार पिछले एक साल करते रहे हैं, उसके कारण ये सारी जो केसेस भी बढ़ रहे हैं, और साथ में जो हमारी पड़ोसी स्टेट्स हैं पंजाब और दिल्ली, उसका भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट है कि उनके वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी जो नेशनल हाईवे पे डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर देखा जा रहा है। सीएम सिटी करनाल कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कोरोना के 64 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। शहर में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 295 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बाकी कर्मचारियों और बच्चों के सैंपल लेने शुरू किए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोरोना का असर कम हुआ है, लेकिन सुरक्षा चक्र जरूरी है। लोगों को घरों से बाहर निकलने से पहले फेस मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, तभी कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी टीवी।